ओके सो विजय, दिस इज इन कंटिन्यूएशन ऑफ अवर सीरीज दैट इज बी मोर विथ लेस, एंड दिस इज आई मीन दिस फेसबुक लाइव इज पर्टिकुलरली ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशन स्किल्स, द टॉप कम्युनिकेशन स्किल्स नीडेड. इन लास्ट सेशन वी कुड फिनिश, आई मीन देर वेर टोटल 6 स्किल्स विच वी डिस्कस्ड लास्ट फेसबुक लाइव, एंड आउट ऑफ दैट हम लोग 3 स्किल्स को डिस्कस कर पाए थे. Now we would continue our 3 skills which were left during our last session. जो skills हम लोग cover कर रहे थे उसमें सबसे पहली जो है developing the rapport को किस तरीके से develop किया जाता है. Then what is the meaning of communication, communication का मतलब क्या होता है. Then process and levels of communication, communication का process क्या होता है और उसके levels कितने होते हैं ये हम लोग देख पाए थे. आज के सेशन में जो हम चीज़ें अटेंड मतलब एड्रेस करेंगे वो है आपका बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या क्या बैरियर्स हो सकते हैं, क्या क्या व्यवधान हो सकते हैं. देन लिसनिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है कम्युनिकेशन में, आज हम उसके बारे में बात करेंगे. एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बॉडी लैंग्वेज. जैसा मैंने पिछले सेशन में बताया था, यदि आप नहीं अटेंड कर पाए थे, तो दैट कम्युनिकेशन का नॉर्मली जो इंटरप्रिटेशन किया जाता है, कम्युनिकेशन का जो मतलब निकाला जाता है साधारण बोलचाल की भाषा में, वो होता है वार्तालाप करना या बातचीत करना, ठीक है. लेकिन कम्युनिकेशन के जो फाइनर एरियाज हैं उनको हम लोग इस सीरीज में कवर कर रहे हैं, बी मोर विथ लेस में. और कम्युनिकेशन जो है ये 3 C's में आता है, जिसको कि हम 3 C's ऑफ ट्रांजिशनल कॉम्पिटेंसीज कहते हैं. तो पहला सी हम लोगों ने एड्रेस किया था जो कि कहलाता है कॉन्फिडेंस, जिसके बारे में हमारा फेसबुक लाइव 1 था. दूसरा सी हम लोगों ने एड्रेस किया था कन्विक्शन, जो हम लोगों ने फेसबुक लाइव 2 में कवर किया था. और फिर लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट सी होता है ट्रांजेक्शनल कॉम्पिटेंसी को इम्प्रूव करने के लिए, वो कहलाता है कम्युनिकेशन. तो कम्युनिकेशन में हमने कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे डेवलप करना इस टॉपिक के बारे में बात करना शुरू किया था. और आज हम जो स्किल्स जो हमारी 3 छूट गई थी कि वो क्या ज़रूरी होती है अच्छे कम्युनिकेशन के लिए, वो है आपका बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में क्या बैरियर्स हो सकते हैं. ऑब्वियसली बैरियर्स की यदि हम बात करें तो बैरियर्स जो कम्युनिकेशन कर रहा है उसकी तरफ से भी हो सकते हैं, या जिसको कम्युनिकेट किया जा रहा है उसकी तरफ से भी बैरियर हो सकते हैं, या तो फिर एक्सटर्नल बैरियर भी हो सकते हैं, ठीक है. तो वो ओके. हाय प्रभात, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू, इट्स वेरी नाइस टू सी यू, थैंक यू. तो आज हम जिस कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बात करेंगे, बैरियर्स इन कम्युनिकेशन हो गया. देन लोग जो है ये समझते हैं कि अच्छा वक्ता होना मतलब अच्छा कम्युनिकेशन होना, राइट, विच इज प्रैक्टिकली नॉट करेक्ट. क्योंकि कम्युनिकेशन में जो है वो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, दैट फॉर यू नो हैविंग अ वेरी गुड कम्युनिकेशन, आपको एक बहुत अच्छा लिसनर भी होना चाहिए, ठीक है. तो उस टॉपिक के हम ऊपर हम लोग थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे. एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कम्युनिकेशन में जो बॉडी लैंग्वेज है, हमारी बॉडी का जो मूवमेंट है या जो हमारे जेस्चर्स वगैरह हैं. हाय गुरकिरत, गुड इवनिंग टू यू, आई एम फाइन. तो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हम लोग बॉडी लैंग्वेज के बारे में समझेंगे. एंड चूंकि ये इट वुड बी अ ब्रीफ सेशन, आप समझ सकते हैं कम्युनिकेशन एक ऐसा टॉपिक है, मैंने आपसे लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि इस पे पूरा 7 दिन का मॉड्यूल रन किया जा सकता है, एंड दैट आई एम ऑलरेडी वर्किंग अपॉन. फेसबुक लाइव के थ्रू मेरा आप लोगों से जो इंटरेक्शन हो रहा है, फेसबुक लाइव के थ्रू जो मैं आप लोगों के साथ में जो कम्युनिकेशन करना जा रहा हूँ, इसमें मैं इन टॉपिक को सिर्फ टच बेस कर रहा हूँ. एंड मैं इस पे बकायदा ई कोर्स लेकर आ रहा हूँ ऑन वेरियस टॉपिक्स सच एज लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मेरा एक टॉपिक रहेगा. दूसरा 3 C's ऑफ ट्रांजेक्शनल कॉम्पिटेंसी मेरा दूसरा टॉपिक रहेगा. मैं एक और ई कोर्स मॉड्यूल के ऊपर काम कर रहा हूँ, जिसका कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज के तारीख में, और जिसका नाम रहेगा पोस्ट COVID-19 में हम अपना जो वर्किंग स्टाइल को किस तरीके से चेंज करें, सो दैट एवरीबडी यू नो फील्स कम्फर्टेबल, और जो न्यू नॉर्मल है उसको हम लोग एडजस्ट कर सकें. थैंक यू प्रभा, थैंक यू सो मच, एंड थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस लाइव सेशन, थैंक यू. तो मैं इन ई कोर्सेज पे ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो प्रयास है फेसबुक लाइव होने का, वो ये है कि मैं फेसबुक लाइव पर आकर जो नीडी लोग हैं उनको एड्रेस कर सकूँ,
और एक अवेयरनेस क्रिएट कर सकूँ लोगों के बारे में, क्योंकि अब जैसे कम्युनिकेशन टॉपिक ही लें, कम्युनिकेशन टॉपिक को भी लेकर जो यंग जनरेशन है या जो वर्किंग प्रोफेशनल है, क्योंकि कम्युनिकेशन के बारे में कभी भी खुल के बात नहीं की गई, इसलिए हर लोगों के पास में देर आर सम प्री कंसीव्ड नोशन, लोगों के जो मेंटेलिटी है वो प्री कंसीव्ड है, इसलिए मैं इस मुद्दे पे थोड़ा सा खुल के बात करना चाहता था। इसलिए मैं एक सीरीज लेकर आया, बी मोर विथ लेस। बी मोर विथ लेस, जैसा कि नाम से क्लियर है कि कम समय में या कम प्रयास में एटलीस्ट हम टॉपिक जो है उनको जान सकें, ऑल दो सुपरफिशियली थ्रू फेसबुक लाइव, लेकिन मैं इसमें जो है आप लोगों की मदद करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए पूरे फुल फ्लेजेस ई कोर्सेज भी लेकर आऊँगा, जो कि एट लेंथ रहेंगे, जो काफ़ी डिस्क्रिप्टिव रहेंगे, काफ़ी एक्सप्लेनिंग रहेंगे, और उससे जो है यदि मैं आपकी पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में कुछ चेंज ला सका तो वही मेरा प्रयास रहेगा इसमें। थैंक यू सो मच गुरकिरत सिंह, सेम विथ मी ऑल्सो, आई एम ऑल्सो टू एक्साइटेड टू यू नो हैविंग वर्क ऑन दीज टॉपिक्स। मैं भी काफी एक्साइटेड हूँ इनको जल्दी से जल्द लॉन्च करने का। ओके, यस विजय, आई हैव गॉन थ्रू दैट आर्टिकल। यस, देर वॉज अ आर्टिकल ऑन मिस्टर यू नो पोस्ट कोविड सिनेरियो बाय मिस्टर रतन टाटा, इट्स अ वेरी गुड आर्टिकल। या तो क्योंकि मेरे पास में, सिंस आई एम अ काउंसलर ऑल्सो एंड आई एम अ कोच ऑल्सो, सो डे इन एंड डे आउट आई एम डीलिंग विद पीपल, एंड यू नो वन ऑफ द मेजर ग्रेव कंसर्न इज दैट पीपल आर समहाउ लूजिंग देयर जॉब, या तो फिर उनकी यू नो सैलरी कट हो रहा है, या अब ऐसा भी नहीं है कि यदि हम इस सिचुएशन को देखें तो ऐसा भी नहीं है कि मार्केट में जॉब्स नहीं है, मार्केट में जॉब्स तो हैं, लेकिन यू नो पोस्ट कोविड द सिनेरियो हैज कम्प्लीटली चेंज, तो जो रिक्वायरमेंट्स हैं एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन स्किल्स हैं या पर्टिकुलर एक जॉब का जो डिस्क्रिप्शन है वो चेंज हो गया है, तो उसके हिसाब से उस स्थिति को समझकर हम अपनी स्किल्स में क्या चेंजेस लाएं या किस तरीके से उस पर काम करें, उस पर जो है मैं काम करके और ये मॉड्यूल को लॉन्च करने जा रहा हूँ। राइट, सो यू नो कीप योर फिंगर क्रॉस, सेम विथ मी, बहुत जल्दी आपको जो है इसके ऊपर मॉड्यूल्स मेरी तरफ से देखने को मिलेंगे। सो कम्युनिकेशन की हम लोग बात कर रहे थे, कम्युनिकेशन में जो सबसे पहले मैं जिस टॉपिक को आज टच बेस करने वाला हूँ वो है बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। तो बैरियर्स इन कम्युनिकेशन में सबसे पहले देखिए, देर आर यू नो टू पार्टीज टू कम्युनिकेशन, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा था, वन इज द सेंडर एंड सेकेंड इज द रिसीवर। और कम्युनिकेशन तब तक कंप्लीट नहीं होता है जब तक कि सेंडर ने जो मैसेज या जो कम्युनिकेशन इनकोड करके रिसीवर के पास में दिया है, तब तक वो क्या वो रिसीवर उसको उसी तरीके से समझ पाया है या उसने उसको डीकोड किया है एंड अल्टीमेटली फीडबैक हैज बीन टेकन, तब तक कम्युनिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता। अब इसमें बैरियर क्या क्या हो सकते हैं, राइट? कॉमन सेंस सजेस्ट दिस, इसमें बैरियर जो है दोनों पार्टीज की तरफ से हो सकते हैं। पहला जो सेंडर है उसके भी कुछ बैरियर हो सकते हैं, जैसे कि अनविलिंगनेस टू से थिंग्स यू नो डिफरेंटली, अनविलिंगनेस टू से डिफरेंटली, थैंक यू विजय, थैंक यू सो मच। अनविलिंगनेस टू टेल द थिंग्स डिफरेंटली का ये मतलब है कि हो सकता है कि मैं आपसे एक ही टॉपिक के बारे में बात ना करूं, है ना? मैं अभी जैसे आपसे कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहा हूं, और मान लीजिए अगले फेसबुक लाइव में मैं, सपोज कीजिए मैं कोई दूसरा टॉपिक आपको एड्रेस कर रहा हूं, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट, ठीक है? तो सीधी सी बात है कि जिस तरीके से मैं आपको कम्युनिकेशन के इम्पोर्टेंस और उसको स्किल्स को कैसे डेवलप किया जाता है उसको यदि मैं समझाने की कोशिश करूंगा और नेक्स्ट टॉपिक मेरा टाइम मैनेजमेंट रहेगा, तो मेरी जो कथन की जो शैली है, मेरी जो आपसे कम्युनिकेशन की जो शैली है उसमें डिफरेंस आना चाहिए, राइट? बिकॉज मैं एक ही स्टाइल से आपको कम्युनिकेशन स्किल्स और एक ही स्टाइल से आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं समझा सकता, रादर मुझे समझाना नहीं चाहिए, राइट? और यदि मैं ऐसा करता हूं तो दैट वुड बी अ बैरियर फ्रॉम द सेंडर साइड, राइट? ये जो है फर्स्ट जो है पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इज अनविलिंगनेस टू रिलेट टू अदर्स, अनविलिंगनेस टू रिलेट टू अदर्स से मतलब यह है कि जैसे जैसे मेरा टारगेट ऑडियंस डिफरेंट रहेगा, जैसे कि मान लीजिए मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल को अभी एड्रेस कर रहा हूँ और अगला सेशन मुझे मान लीजिए मिलता है MBA प्रोफेशनल्स का, राइट? एक ऐसा क्राउड जो अभी जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट मैनेजमेंट में खत्म किया है और जस्ट अपना काम जो है अभी शुरू किया है, तो मेरा जो
उनसे रिलेट करने की जो एबिलिटी है उस पे बहुत अच्छा ये फैक्ट डिपेंड करेगा कि मैं लोगों से कितना आसानी से और कितना कंफर्टेबली कनेक्ट हो पाता हूँ। ठीक है, तो एक अच्छे सेंडर में ये क्वालिटी होना चाहिए कि वो अपने जो है टारगेट ऑडियंस के साथ में बहुत अच्छा कनेक्ट कर सके। थर्ड थिंग इज अनविलिंगनेस टू लर्न न्यू अप्रोचेस। जैसे जैसे मेरा सेशंस आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे मेरा टॉपिक्स आगे बढ़ेंगे, मैं जिस तरीके के टारगेट ऑडियंस को एड्रेस करता हूँ, मेरा जो है नए नए अप्रोच को सीखने की मुझ में विलिंगनेस होनी चाहिए। ठीक है, मुझ में ये ललक होनी चाहिए कि मैं कैसे प्रयास करता हूँ कि मैं अपने सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्टिव कैसे बना सकूँ। क्योंकि अभी तो मेरे सामने ये भी बड़ा चैलेंज है, बिकॉज अभी हम जो भी कर रहे हैं इट इज़ बेसिकली लर्निंग विदाउट वॉल्स। ये हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो लर्निंग करने की कोशिश कर रहे हैं या मैं जो चीज़ आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें भी एक ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि एज अ ट्रेनर, एज अ फैसिलिटेटर और एज अ कोच मैं नई चीज़ों को सीखने के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और कितना विलिंग हूँ। ठीक है, तो ये भी जो है सेंडर की तरफ से ये चीज़ जो है वो वेरी करेगी। देन लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, ऑब्वियसली इफ अ सेंडर इज फुली अवेयर ऑफ हिज टॉपिक, यदि वो नॉलेज रखता है उस पर्टिकुलर टॉपिक के बीच में, तो डेफिनेटली उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लैक ऑफ इंथुजियाज्म, यदि उसमें नॉलेज बहुत है लेकिन वो इंथुजियाज्म वो ट्रांसफर करने की स्थिति में नहीं है, मान लीजिए जो सेंडर है वो कॉन्फिडेंस और इंथुजियाज्म वो रिसीवर में ट्रांसफर करने की स्थिति में नहीं है, देन इन दैट केस ऑल्सो कम्युनिकेशन वुड बी डाउटफुल। एंड वॉइस क्वालिटी, ऑब्वियसली वॉइस क्वालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आपका जो है कम्युनिकेशन का मोड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आप किस पिच में बात कर रहे हैं, आपका वॉइस का क्वालिटी कितना अच्छा है। और सबसे पहला प्रेजुडिस, प्रेजुडिस का मतलब है कि आप किसी भी चीज़ से अपने आप को बांध नहीं सकते, आपका जो है दिमाग खुला होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ सेड दैट एक खुला दिमाग ही जो है पैराशूट की तरह, और पैराशूट जो है ये तभी काम कर सकते हैं कि जब वो दोनों खुले हों। ठीक है, तो एक सेंडर को जब एक रिसीवर से बात कर रहा है अपना दिमाग टोटली ओपन रखना चाहिए, उसमें कोई भी प्रेजुडिस या प्री कंसीव्ड नोशंस नहीं होना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं वो मैंने शेयर करी जहाँ तक कि बैरियर्स की बात आती है सेंडर की तरफ से। अब हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं कि प्रेजुडिस या बैरियर जो है वो रिसीवर की तरफ से क्या क्या आ सकती है। सबसे पहला सिलेक्टिव परसेप्शन। सिलेक्टिव परसेप्शन का मतलब है कि मान लीजिए आप किसी चीज़ को कम्युनिकेट करा किसी को या आप किसी चीज़ को समझाने जा रहे हैं, लेकिन यदि रिसीवर ने पहले ही अपने दिमाग में कोई धारणा बना रखी है या ऑलरेडी कोई प्री कंसीव्ड नोशन उसने दिमाग में बना रखा है, या तो सेंडर के प्रति या तो उस टॉपिक के प्रति, ठीक है, तो आप सेंडर जो है वो कितना भी प्रयास करे वो कहीं ना कहीं कठिनाई महसूस करेगा अपने संदेश को सही ढंग से पहुंचाने के लिए, राइट। सो दैट इज वन ऑफ द बैरियर फ्रॉम द रिसीवर एंड। सेकेंड इज अनविलिंगनेस टू चेंज। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि रिसीवर जो है वो चूंकि धारणा बना के बैठा हुआ है, उसने अपना विचार बना रखे हैं, इसलिए जब देखें हम कोई धारणा को बना लेते हैं, किसी विचार को बना लेते हैं, तो अब कोई लाख हमें उस चीज़ के बारे में कन्विंस करने की कोशिश करे, लेकिन हम जो है काफ़ी सिलेक्टिव सुनते हैं उसको, मतलब हम सिर्फ सुनने के लिए सुनते हैं लेकिन चेंज होने के लिए तैयार नहीं होते हैं, लालायित नहीं होते हैं, राइट। सो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैरियर ऑल्सो, कि जहाँ पर ये जो बैरियर है वो रिसीवर की साइड से है। थर्ड इज लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द टॉपिक और सब्जेक्ट। अब आप ही का एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए आप में से यदि कोई यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल साइंस बैकग्राउंड के हैं, फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी बैकग्राउंड के हैं, तो यदि मैं ऐसे व्यक्ति से यदि मैं फार्मा इंडस्ट्री की बात करूं, क्योंकि मैं फार्मा इंडस्ट्री में रह चुका हूं, सो ऑब्वियसली उस व्यक्ति को जो है उस टॉपिक में ज़्यादा इंटरेस्ट आने की संभावना है, बजाय कि जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हो या कॉमर्स बैकग्राउंड का हो, दिस इज़ वेरी नेचुरल। ठीक है, तो कई बार ये होता है कि रिसीवर का जो क्या मूड है, उसका इंटरेस्ट लेवल क्या है, किस टॉपिक पे बात की जा रही है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। देन द पर्सनल वैल्यू सिस्टम एंड हियर एंड नाउ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, जो हमारा वैल्यू सिस्टम है, जहाँ पर कि बेसिकली हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में जो सोसाइटी की वजह से, जो हमारे फैमिली बैकग्राउंड की वजह से, जो हमारे फ्रेंड सर्कल या पीयर्स के ग्रुप की वजह से जो हमारा एक वैल्यू सिस्टम बन चुका है। ठीक है, सो वैल्यू सिस्टम का मतलब ये होता है कि जो मॉरल्स हमारे अंदर हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू नो झूठ बोलना पाप है, दैट इज़ यू नो वन ऑफ द मॉरल्स, या मेहनत करके ही
हमें सुख की प्राप्ति होती है, दीज आर सम ऑफ द मॉरल, दीज आर सम ऑफ द वैल्यूज, ठीक है। तो जो हमारा वैल्यू सिस्टम होता है, जो हमारे मॉरल्स होते हैं, कम्युनिकेशन, यदि सेंडर जो आपको कर रहा है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि आपको वो कम्युनिकेशन जो है कितना परसेंटेज कंप्लीट होने की संभावनाएं होती है। तो वैल्यू सिस्टम ऑफ द रिसीवर, सेम चीज ये सेंडर के साथ में भी लागू होती है, रिसीवर के साथ में भी ये चीजें लागू होती है। नाउ कमिंग टू, ये तो हमने बात कर ली सेंडर्स की और ये तो हमने बात कर ली रिसीवर की, इसके अलावा भी कुछ एक्सटर्नल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जिस पर भी हमारा कम्युनिकेशन का प्रोसेस जो है वो डिपेंड करता है, जैसे कि द वेन्यू, ठीक है। यदि ऐसा वेन्यू हो, फॉर एग्जाम्पल ये ट्रेनिंग में डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नहीं करके हो सकता है किसी किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कर रहा होता या किसी होटल के बढ़िया कॉन्फ्रेंस रूम में करता, तो डेफिनेटली जो फील है, जो एम्बियंस है, उसका एक अलग फर्क जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम पे पड़ेगा, ठीक है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। सेकेंड थिंग इज द इफेक्ट ऑफ नॉइज, ठीक है। मैं जैसे अभी आपसे बात कर रहा हूँ, टाइम एंड अगेन आई एम कन्फर्मिंग एंड रीचेकिंग दैट वेदर आई एम ऑडिबल और नॉट, इट इज बिकॉज भले ही ट्रेनिंग प्रोग्राम का क्वालिटी कितना अच्छा हो, आपका जो है कंटेंट कितना अच्छा हो, लेकिन इफ देयर आर डिस्ट्रैक्शंस या वॉइस में जो है हार्शनेस आए या वॉइस में इंटरप्शंस आए या आपकी आवाज जो है डिस्टर्ब होके या इंटरप्ट होके जाए, तो वहां पर भी जो है कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। विजय जी इज ट्राइंग टू शेयर समथिंग। विजय जी, सेंडर्स बैरियर्स को तो करेक्ट किया जा सकता है अगर कॉन्शियस एफर्ट किया जाए, लेकिन रिसीवर के बैरियर को कैसे ओवर कीम कम किया जाए? बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया विजय जी। इस सवाल का जो जवाब है, मैं आपको ये बैरियर्स पूरा कंप्लीट कर लूं और उसके बाद मैं आपको इसके जवाब पे आता हूं। लेट मी जस्ट फिनिश एक्सटर्नल जो बैरियर्स हैं वो क्या होते हैं और उसके बाद में इनको कैसे ओवरकम किया जा सकता है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। सो तीसरा जो फैक्टर होता है एक्सटर्नल बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन का, वो होता है टेम्परेचर इन द रूम। टेम्परेचर इन द रूम से मतलब है, फॉर एग्जाम्पल इफ ट्रेनिंग इज बींग कंडक्टेड इन अ ट्रेनिंग रूम और मान लीजिए बहुत हॉट है, बहुत गर्मी है या बहुत ज़्यादा ठंड है, कई बार होता है ना ट्रेनिंग रूम में हम बैठे हैं, बार बार रिक्वेस्ट आती है सर एसी प्लीज़ थोड़ा बढ़ा दीजिए, सर एसी प्लीज़ थोड़ा सा कम कर दीजिए, राइट। बिकॉज यदि आप एट ईज फिजिकली नहीं रहेंगे, सो डेफिनेटली आपका वहाँ पर डिस्ट्रैक्शन होने की संभावना है और कम्युनिकेशन की प्रोसेस भी अफेक्ट होगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अदर पीपल, उनका जो है स्टेटस हुआ, उनका एजुकेशन हुआ और जो है टाइम कितना आप स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल यदि आप किसी चीज़ को मतलब अच्छे तरीके से कम समय में समझा सकते हैं, उसको ज़्यादा इलेबोरेशन की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि जो बगैर इलेबोरेट करके आप उसको ठीक से नहीं समझा पाते, मतलब वहाँ पर आप शॉर्टकट नहीं ले सकते कम्युनिकेशन का, तो ये चीज़ें जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती। अब मैं विजय जी का वो सवाल लूँगा जो मैंने बीच में उनको कहा था कि मैं थोड़ी देर के लिए पार्क करता हूँ। विजय जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि सेंडर्स का जो बैरियर है उसको तो आप करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो रिसीवर है आपका, ठीक है, उसमें आपको जो है कई बार नहीं मालूम होता कि उसका लेवल क्या है, उसका मेंटल लेवल क्या है या उसका परसेप्शन क्या है, उसका मॉरल वैल्यू सिस्टम क्या है। अब इसमें दो कंडीशंस आ सकती है या सिचुएशन आ सकती है। सिचुएशन नंबर वन, जहां पर कि उस रिसीवर को आप पहले से जानते हैं या उसके बारे में कुछ जानकारियां रखते हैं, जैसे कि उसका एजुकेशन बैकग्राउंड यदि आपको पता है, उसका यदि आपको ये पता है कि उसके फैमिली में कितने लोग हैं, फॉर एग्जांपल फादर क्या करते हैं, मदर क्या करती हैं, या उसको उसका यदि आपको ये पता है कि वो किस लोकेशन में रहता है, ठीक है, या यदि आपको उसको ये पता है कि वो नॉर्मली अभी तक आपका जो है उसको क्या अनुभव है, मतलब उस बंदे के साथ में काम करने का या उस बंदे के साथ में इंटरेक्शन करने का क्या अनुभव है, यदि आपको ये मालूमात हैं तब तो जो है आप उसको बहुत हद तक उसके लेवल पर जाकर और उसके स्टेज तक जाकर आप उसको समझा सकते हैं। रही बात जैसे कि यदि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बात करें या हम एक किसी ट्रेनिंग की बात करते हैं या किसी ऐसे बंदे से जिससे कि हम पहली बार इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो पहली बार इंटरेक्ट करने में ऑब्वियसली हमको एकदम से समझ में नहीं आएगा कि उससे हम किस तरीके से बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप अपना कम्युनिकेशन शुरू करेंगे, ठीक है,
तो कम्युनिकेशन शुरू करने में जो एक चीज आप कर सकते हैं वो कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ओपन एंडेड सवाल करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर ओपन एंडेड सवाल क्या होता है, तो बेसिकली क्वेश्चनिंग स्टाइल में दो तरीके के सवाल होते हैं, एक होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन और दूसरा होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। जैसे कि मैं आपसे पूछूं क्यों खाना खा लिया है क्या विजय जी, तो आपका जवाब होगा हाँ सर खा लिया है या नहीं सर अभी नहीं खाया। ठीक है, लेकिन यदि मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि आज खाने में आपने क्या खाया है विजय जी, या आप खाने में क्या खाना पसंद करेंगे। अच्छा, प्रोफेसर विपुल कीर्ति शर्मा हैज जॉइन, थैंक यू सो मच मिस्टर विपुल, थैंक यू सो मच। विजय जी मेरे लिए ये सारे क्वेश्चन मेरे टीम मेंबर्स के कॉन्टेक्स्ट में हैं जिन्हें मैं बाय एंड लार्ज जानता हूँ। ओके विजय जी, सो ठीक है, तो ऑब्वियसली आपके साथ में चूंकि ये वाली कंडीशन अप्लीकेबल नहीं रहेगी है ना, तो आपके लिए जो है वो पहली वाली कंडीशन अप्लीकेबल रहेगी। ठीक है, पहले मैं ये सेकेंड स्टेज जो है कंप्लीट कर लेता हूँ फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल, देन फिर आपकी सिचुएशन पे आता हूँ, है ना, प्लीज बियर मी फॉर दैट। तो जहां पर आपको कुछ भी नहीं मालूम है, सो ऑब्वियसली ऐसी सिचुएशन में आपको जो है ज्यादा से ज्यादा ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, तो ओपन एंडेड क्वेश्चन जब, जैसे कि आप इंटरव्यू में जाते हैं, आपसे नॉर्मली जो सवाल पूछा जाता है वो सभी ने फेस किया होगा कि प्लीज अपने बारे में कुछ बताइए। अब आप देखिए अपने बारे में कुछ बताइए, ये एक इतना बड़ा सवाल है, चाहे तो विजय जी उसका आधे घंटे में भी जवाब दे सकते हैं और चाहे तो विजय जी को पूरा दिन लग जाएगा अपने बारे में बताने के लिए, लेकिन वो जवाब खत्म नहीं होगा। ठीक है, सो कहने का मतलब है कि जैसे ही आप ओपन एंडेड सवाल की बात करते हैं, ऐसे व्यक्ति से ज्यादा एग्जाम्पल देने की कोशिश कीजिए, ऐसे व्यक्ति से आप कम्युनिकेशन या ट्रेनिंग के दौरान, या यदि आप उसे कुछ सिखाना चाह रहे हैं या कम्युनिकेशन देना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर जो चीज आपको बार बार करनी पड़ेगी वो है फ्रीक्वेंट फीडबैक्स लेना। ठीक है, फीडबैक्स लेने के लिए एक तरीका ये हो सकता है कि जहां आप अपने सेंटेंस को या जो आपने उसको सिखाया है उसको आप पैराफ्रेजिंग कर सकते हैं। पैराफ्रेजिंग ये कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी विजय जी को कुछ हेल्प कर रहा हूँ कुछ सीखने के लिए, तो मैं विजय जी से पैराफ्रेजिंग करूंगा कि यदि विजय जी मैं यदि गलत नहीं समझ रहा हूं, तो शायद आपको मेरी ये बात समझ में तो आ गई है कि यदि आप किसी व्यक्ति को पहली बार मिल रहे हैं तो आपको उसको सिखाने का तरीका क्या होगा, लेकिन यहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि आप जो है ज्यादातर ऐसे लोगों से डील करते हैं जिनको आप पहले से ही जानते हैं, तो क्या विजय जी मैं आपको ठीक समझ पा रहा हूं। हाँ, ये मैं एक्चुअली विजय जी आपको एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं कि पैराफ्रेजिंग का उदाहरण क्या होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जहां पर वो व्यक्ति जो है, जहां पर आपको, आप उसके बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, ठीक है, हालांकि ये चीज तो जो आप लोगों को जानते हैं या जिनको आप जानते हैं वहां पर भी आप कर ले तो बहुत ही अच्छा है, बिकॉज कम्युनिकेशन तब तक कंप्लीट नहीं मानी जानी चाहिए तब तक हमें फीडबैक ना मिल जाए दैट क्या उस व्यक्ति को, रिसीवर को वो बात उसी तरीके से समझ में आई है जैसे कि समझाने की चेष्टा की गई है। ठीक है, तो ये मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं कि आप जो है इस चीज को आइडियलाइज तो नहीं कर सकते, अब भैया नहीं जानते सामने वाले लर्नर को हम तो नहीं जानते, लेकिन हम प्रयास करके उसके इंटरेस्ट लेवल हमें पता चल सकते हैं, उसके हमें हॉबीज पता चल सकती हैं, उसके हमें ये चीजें पता चल सकती हैं कि उसका बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, जैसे कि वो किस लोकेशन में रहा है, किस स्कूल में उसने शिक्षा प्राप्त की है, कौन से कॉलेज से वो पास आउट हुआ, तो मोटा मोटा जो है आप अपना जो है साइकोलॉजी का यूज करके या अपने नॉलेज का यूज करके एक मोटा मोटा अनुमान लगा सकते हैं, जिससे कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो उस दिशा में जो है अग्रसर रहेगा। ठीक है, अब रही बात आपके केस की विजय जी कि जहां पर आप उन लर्नर्स को पहले से जानते हैं, तो लर्नर्स को यदि आप जानते होंगे तो यहां पर आपको लर्नर्स की स्टेज के बारे में पता करना पड़ेगा। बेसिकली ये एक बहुत ही डीप टॉपिक है विजय जी, आप चाहें तो मुझसे आप अलग से भी इसके बारे में बात कर सकते हैं, मैं आपको सिर्फ यहां पर ये बताऊंगा कि एक टॉपिक के बारे में जिसको हम सिचुएशनल लीडरशिप बोलते हैं। ठीक है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मॉड्यूल है, मैं उसके ऊपर भी ई कोर्स मॉड्यूल लेकर आऊंगा। सिचुएशनल लीडरशिप हमें ये बताती है कि डेवलपमेंट स्टेज होती है, हर लर्नर की अपनी एक डेवलपमेंटल स्टेज होती है जिसको कि चार पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसे हम D1, D2, D3 और D4 बोलते हैं। D1 का मतलब ये होता है कि जो बिल्कुल बिगनर वाला लेवल होता है और जिसने अभी अभी जस्ट सीखना चालू किया है, और D4 जो होती है वो सबसे डेवलप्ड स्टेज होती है।
तो ये जो सिचुएशन लीडरशिप के जो चार क्वाड्रेंट्स हैं, ये हमें बताते हैं कि यदि हमारे लर्नर की जो डेवलपमेंटल स्टेज है उसके हिसाब से हमारी जो कम्युनिकेशन का स्टाइल क्या होना चाहिए, क्या हमें कोचिंग मोड में बात करनी चाहिए ऐसे लर्नर से, या क्या हमें ट्रेनर के रूप में बात करनी चाहिए ऐसे लर्नर से, या क्या हमें उसे एज अ मेंटर गाइड करना चाहिए, या क्या हमें उसे सिर्फ सपोर्ट देने की ज़रूरत है, बाकी काम वो खुद कर लेगा। सो ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और हर वो व्यक्ति, यदि आप अपने एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं, उसको हर एक को आपको प्लॉट करना पड़ेगा कि वो डेवलपमेंट के कौन से स्टेज में फॉल कर रहा है। तो उसके डेवलपमेंट, क्योंकि नाम ही है इस मॉडल का सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल, ये मॉडल हमें ये बताता है कि उस लर्नर के, उस फॉलोअर के डेवलपमेंटल लेवल के हिसाब से हमें अपना कम्युनिकेशन रखना चाहिए, हमारी जो है ट्रेनिंग की या हमारी कोचिंग की स्टाइल होना चाहिए। यस, यू आर वेरी राइट। ये जो है आपने नाम बिल्कुल सही लिया, कैन ब्लांचेट जो है उन्होंने इस सिचुएशन लीडरशिप को इंट्रोड्यूस किया था। तो यदि आप जानते हैं तो शायद आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आपको न सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में, लेकिन विजय जी आप चाहें तो आपकी पर्सनल लाइफ में भी, यदि आप इस मॉडल का यूज करते हैं, मॉडल में कहीं भी समझने में दिक्कत आ रही है, आई एम अवेलेबल 24/7, आप मुझसे बात कर सकते हैं एंड डेफिनेटली आपको जो है काफी अच्छे रिजल्ट्स में रहेंगे, ये मेरा गारंटी है। क्या मैं आपको क्लियर कर पाया विजय जी? ओके, नाउ कमिंग टू द लिसनिंग स्किल्स। मैंने जैसे आपको बताया कि ये बैरियर्स इन कम्युनिकेशन तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन साथ में कम्युनिकेशन में जो है आप में यू हैव टू बी अ वेरी गुड लिसनर, आप में लिसनिंग स्किल्स बहुत ही अच्छी होना चाहिए, तभी वो कम्युनिकेशन की पूरी प्रोसेस हो पाएगी। अब बात ये आती है कि 5 बेसिक रीजंस क्या होते हैं कि जो वाई डू वी नॉट लिसन, हम लोग क्यों सुन नहीं पाते हैं। सबसे पहला, लिसनिंग इज हार्ड वर्क, ठीक है, बहुत पेशेंस लगता है और बचपन से ही। ओके विजय जी, यू आर मोस्ट वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम। आपको यदि कुछ भी प्रॉब्लम आए इस मॉडल को समझने में, आप जो है बता सकते हैं। आई एम अ सर्टिफाइड ट्रेनर फॉर सिचुएशनल लीडरशिप। ओके विवेक जी, वेलकम वेलकम, इट्स एन एक्सेलेंट मॉड्यूल सर। आई ओके 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 मिस्टर विवेक जो है ही वॉज इन माई यू नो टीम वेन आई वॉज रीजनल ट्रेनिंग मैनेजर इन बजाज आलियन, सो ही हैज अटेंडेड दैट यू नो पर्टिकुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम। सो थैंक्स विवेक, थैंक यू सो मच। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि सबसे पहला, लिसनिंग हार्डवर्क होता है और बचपन से हम लोग की कंडीशन ये है कि हम लोग बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं, सुनना कम पसंद करते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंज जो कि एक कम्युनिकेशन प्रोसेस को पूरा नहीं होने देता। सेकेंड इज कॉम्पिटिशन, ठीक है। थर्ड इज द रश फॉर एक्शन, जैसे ही हमसे कोई सवाल पूछता है ना, हम उसको एनालाइज करने के बजाय या उसको ठीक से समझने के बजाय हम लोग रिएक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, हम लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। हम लोग से जब मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब हम सभी, उसमें मैं भी हूँ, नॉर्मली जो ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम लोग जो है रिएक्ट करना पसंद करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, ठीक है। फोर्थ थिंग इज स्पीड डिफरेंसेस, क्योंकि स्पीड का डिफरेंस होता है, लिसनिंग की यदि हम स्पीड देखें और जो हम स्पीकिंग की स्पीड देखें, दोनों में डिफरेंस होता है। एंड लैक ऑफ ट्रेनिंग, अब आप बोलेंगे सर क्या लिसनिंग के लिए भी क्या ट्रेनिंग की जरूरत होती है? जी हाँ बिल्कुल, बहुत हाई लेवल की ट्रेनिंग की जरूरत होती है। चाहिए तो आप इसको प्रैक्टिकली करके देख लेना कि कोशिश करना कि जब आप किसी कम्युनिकेशन में हो तो आप अपने आप से ट्राई करके देखना कि मैक्सिमम आप कितनी देर तक चुपचाप किसी को सुन पाते हो या लिसन कर पाते हो। ये कॉन्शियसली आप करके देखिएगा, देन यू वुड रियलाइज कि बेसिकली टू बिकम एन एक्टिव लिसनर एंड टू बी अ गुड लिसनर रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, बहुत प्रैक्टिस लगती है। ओके, वेरी गुड इवनिंग मिस्टर अन्ना साहेब, यस यस आई रिमेंबर यू, यस ओके, यू आर ई ट्रेनिंग एग्जीक्यूटिव इन बजाज आलियांस, ओ सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू माई ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो ये जो है 5 बेसिक रीजंस होते हैं कि क्यों जो है कोई अच्छा लिसनर नहीं हो पाता। नाउ इम्प्रूविंग लिसनिंग स्किल, इम्प्रूविंग लिसनिंग स्किल से मतलब है कि यदि आप कम्युनिकेशन को अच्छे ढंग से कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको अपने लिसनिंग की जो स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा।
पहली चीज जो सबसे पहले आप कर सकते हैं कि दिमाग से अपने प्री कंसीव नोशन निकाल दीजिए बाय नॉट बीइंग प्री ऑक्यूपाइड। सामने वाला क्या कह रहा है उसके हिसाब में हमें दिमाग में सबसे पहला जो प्रॉम्प्ट आता है, अरे यार वो तो ऐसे ही है यार, वो ऐसे ही बोलेगा और देखना वो तो इसी तरीके से करेगा, मतलब उसी के भलाई की बात करेगा या उसी के स्वार्थ की बात करेगा। हम लोग यदि इस चीज़ से पहले ही प्रेजुडिस हो जाते हैं तो वहाँ पर हम उस कम्युनिकेशन को हैम्पर करते हैं और वो कम्युनिकेशन कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता। सेकेंड इज बींग ओपन माइंडेड एंड नॉन डिफेंसिव। सबसे पहले आप ओपन माइंडेड बनिए, जैसे मैंने आपको बताया कि पैराशूट भी तभी काम करता है जब वो खुला होता है। थर्ड इज मिनिमाइजिंग इंटरप्शंस, इंटरप्शंस को मिनिमाइज करने की कोशिश कीजिए एंड बाय आस्किंग क्वेश्चंस। यदि आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो भले ही कम्युनिकेशन के दौरान नहीं, लेकिन यू कैन क्लियर द डाउट्स बाय आस्किंग क्वेश्चंस टू द सेंडर। नाउ कम्युनिकेशन जो होता है बेसिकली यदि हम प्रोसेस को देखें तो 7% वर्ड्स जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, 38% जो है पैरालिंग्विस्टिक रोल प्ले करता है, एंड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो होती है दैट इज बॉडी लैंग्वेज। क्या आपको पता है कितना परसेंटेज होता है इसका? 55%, राइट? 55% जो है कम्युनिकेशन में जो है बॉडी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नाउ कमिंग टू द लास्ट टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया सीरीज का नाम है बी मोर विथ लेस, तो मैं कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और यदि आपको जो है इन चीजों को डीप में समझना है आई एम ऑलरेडी वर्किंग ऑन माई ई कोर्स मॉड्यूल्स जिसमें कि ये सारी चीजें आपको डिटेल्स में मिलेंगी। ठीक है, नाउ वी डील विथ पीपल। पीपल का जो है एक्रोनिम है PEOPLE। सबसे पहला जो पी है उसका मतलब होता है पोस्चर्स एंड जेस्चर्स, मतलब आप किस पोस्चर में सामने वाले को अपना कम्युनिकेशन सेंड करने की कोशिश कर रहे हैं या किस जेस्चर्स को आप लोग यूज करते हैं उस कम्युनिकेशन प्रोसेस में, ये चीज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बॉडी लैंग्वेज में। नाउ कमिंग टू ई दैट इज आई कॉन्टेक्ट। क्या आई कॉन्टेक्ट भी बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं, राइट? जब हम बोलते हैं आई कॉन्टेक्ट होना चाहिए, इसका ये मतलब नहीं कि हम उसको घूर के देखने लग जाएं, ठीक है, या तो फिर हम उसे गेज करने लग जाएं। आई कॉन्टेक्ट का मतलब यह है कि यू शुड हैव अ वेरी कंफर्टेबल आई कॉन्टेक्ट, बिकॉज आई कॉन्टेक्ट का कम्युनिकेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। आई कॉन्टेक्ट आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बताता है, आई कॉन्टेक्ट जो है आपके मैच्योरिटी लेवल को बताता है, एंड ये बताता है कि दैट यू आर फीलिंग कंफर्टेबल वाइल कम्युनिकेटिंग विद द अदर पर्सन। ठीक है, थर्ड इज ओरिएंटेशन, दैट हाउ डू यू पोजिशन योर सेल्फ, आप किस तरीके से अपने आप को पोजिशन करते हैं उस कम्युनिकेशन में, ये चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देन दूसरा पी दैट इज प्रेजेंटेशन, द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ। ठीक है, आपका कंटेंट बहुत अच्छा हो सकता है, वर्ल्ड क्लास हो सकता है। ठीक है, थैंक्स विवेक, थैंक यू सो मच। आपका जो है कंटेंट वर्ल्ड क्लास हो सकता है, आपने शायद उसको ताज होटल में अरेंज किया होगा, एम्बियंस इज सुपर, बहुत ही अच्छी एम्बियंस है। ठीक है, आपने वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिक सिस्टम या साउंड सिस्टम वहां पे इम्प्लांट कर रखे हैं, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन यदि आपने उसका प्रेजेंटेशन या उसको जिस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है उस कंटेंट को आप प्रेजेंट नहीं कर पाए, तो आपका पूरा प्लान जो है चौपट हो जाएगा, पूरा प्लान फेल हो जाएगा। इसलिए द वे यू प्रेजेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन योर कंटेंट एंड वॉट एवर एक्सेसरीज यू मस्ट बी हैविंग। ठीक है, एंड लुक्स डेफिनेटली इट गिवस एन अपर एज। लुक्स हमेशा आपको एक अपर एज देगी जहां तक कम्युनिकेशन की बात होगी। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट योर एक्सप्रेशंस ऑफ इमोशंस। इमोशन से ये मतलब है कि जो चीज आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं यदि आप उसको पूरे इमोशंस के साथ में सामने वाले को बताने की कोशिश करेंगे विथ प्रॉपर इमोशन, जिसमें कि आपको सामने वाले व्यक्ति को आपका इन्वॉल्वमेंट उस चीज में दिखेगा, सो डेफिनेटली कम्युनिकेशन कंप्लीट होने के ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, ज्यादा चांसेस होते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई गेस आई हैव कंप्लीटेड वॉट एवर आई वॉन्टेड टू डिस्कस विथ यू, एंड दैट कम्स टू द एंड ऑफ यू नो सीरियल 2 और एपिसोड 2 ऑफ अवर सीरीज कम्युनिकेशन के बारे में जो थी द टॉप कम्युनिकेशन स्किल्स नीडेड। तो मैंने जो बेसिकली चीज़ें कवर की है इसमें रेपो बिल्डिंग के ऊपर बात की है, देन मैंने आपसे जो है प्रोसेस एंड लेवल ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बात की है, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बात की है, बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, लिसनिंग, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट बॉडी लैंग्वेज। सो दैट कम्स टू द
एंड ऑफ दिस फेसबुक लाइव सेशन, एंड थैंक यू सो मच आप लोगों ने रविवार के दिन, संडे के दिन इतना समय मेरे लिए निकाला और आप लोग आए यहाँ पर और आप लोगों ने इस सेशन को इतना इंटरेक्टिव बनाया। मैंने जैसे आपसे कमिट किया है, आई वुड बी कंडक्टिंग फेसबुक लाइव ऑन एवरी वेनसडे एंड संडे। वेनसडे को जो मेरा टाइम रहेगा, चूंकि इट्स अ वर्किंग डे, मैं रात को 8 बजे लाइव होऊंगा एंड टॉपिक्स क्या चूज करूंगा वो मैं वेल इन एडवांस आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। संडे को जो मेरा फेसबुक लाइव रहेगा वो शाम को 4 बजे का रहेगा एंड नॉर्मली जो टाइम मैं स्पेंड करूंगा आपके साथ में हार्डली हाफ एन आवर या 45 मिनट्स, राइट? सो दैट जैसा कि आज भी हुआ है, आई कैन एड्रेस टू सम ऑफ द क्वेश्चंस आल्सो एंड विच विल हेल्प यू नो इन योर प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ, राइट? सो थैंक यू सो मच। और अपने ई कोर्स के बारे में भी मैं आपको जानकारियाँ देता रहूँगा, प्लीज़ टच में रहिए। मैं साथ ही में एक व्हाट्सएप ग्रुप भी रन कर रहा हूँ जिसका कि लिंक मैं आपको अभी इसमें सेंड कर दूंगा, आप चाहे तो उस व्हाट्सएप ग्रुप से के साथ में भी जुड़ सकते हैं। पोस्ट कोविड एरा में जो मोटिवेशन लेवल की ज़रूरत है या कहीं किसी को हम लोग प्रोफेशनल लाइफ में मदद कर सकें, ये सारी जानकारियाँ मैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करता हूँ जिस ग्रुप का नाम है यू नो द एक्सट्रीम, राइट? सो इसका लिंक मैं जो हमें अभी आपके साथ में शेयर कर लूँगा। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू इन नेक्स्ट फेसबुक लाइव। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।